सुजैन कैंडिडेट्स कैसे हो? सो एक से भी बढ़िया हो गया डेफिनेटली। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और सो देखो अभी हम इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और दिन भर वेट करने के बाद कैंडिडेट ने मतलब अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट सेंटर होते हैं जैसे कि लखनऊ हो गया, लखनऊ एआरओ हो गया, बरेली एआरओ हो गया, राजस्थान पे दो तीन हो जाते हैं, जयपुर झुंझुनू, ठीक है, इन सेंटर्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और मैं एक आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसे कि लखनऊ सेंटर का भी हाल ही में रिसेंटली कुछ दिनों पहले, इससे पहले वाला जो इंटेक था अग्निवीर को, उसमें मेरे भाई का सब कुछ क्लियर था भाई, दो दिन लगातार वेट किया था और सबसे लास्ट में लखनऊ सेंटर का मेरिट आया था। वेबसाइट बिल्कुल ब्लास्ट थी, ऐसे ही चल रहा था और मेरिट आने के बाद भी डाउनलोड नहीं हो रहा था उसका। अगर फाइनल मेरिट में नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे लास्ट में यहाँ का आता है। अब कहाँ पे देखेंगे, कैसे देखेंगे ये बताता हूँ। देखो पहले नंबर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये है इनकी वेबसाइट और ऐसे वर्क कर रही है। बार बार यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा है। पीसी पे भी मैंने ओपन करके रखा है, बीच बीच में पीसी पे ओपन भी हो जाता है, वो चक्का घूमता रहता है ऐसे, जो घूमने वाला सिस्टम होता है, और वो भू भी जाता है, ठीक है। अभी से कुछ देर पहले जालंधर का जैसे ही आया तो मैंने आप सभी के सामने शेयर किया था। अब देखो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटर का शेयर किया है, जैसे कि ये जालंधर सेंटर का सबसे रिसेंट में आया हुआ है, मैं अभी सबका बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। जालंधर सेंटर का रिसेंट में आया हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ भाई, ये जो दानापुर सेंटर है, सबसे पहले मैंने दानापुर का शेयर किया था यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग पे। ये झारखंड दानापुर है, यहाँ पे झारखंड इसमें एआरओ दानापुर गया, मुजफ्फरनगर, कटिहार, ये जो तीन से चार सेंटर है ना यहाँ पे, जब मैंने भी कुछ देर पहले पीसी पे इस पीडीएफ को ओपन किया था, तो भाई मेरे पता है क्या था, जब जिस दिन इस फाइनल मेरिट आया था तो उसमें हम ओपन कर करके देख रहे थे, अरे भाई किसमें कितने लड़के लिए जा रहे हैं, किसमें कितने लड़के, वह क्रेज होता है ना कि अरे अगर मतलब ज़्यादा लड़के लिए जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली, जैसे कि अब कटी यहाँ दानापुर का मेरिट आया तो हमने फटाक से ओपन किया, देखा यार इसमें तो मतलब सात पेजे थे, सात, जब इसका मेरिट आया था, अब इससे पहले वाले मेरिट आया था तो उसमें केवल सात पेज थे फाइनल के, तो होप लगाए जा रहे थे कि लखनऊ की इससे कम तो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए ना, तो ऐसे वाला। तो पता है इस बार इसमें कितने पेज है, 304 पेजेस हैं भाई मेरे, समझ रहे हो, और एक पेज में मिनिमम 50। अब बताता हूँ उसमें लगभग मतलब गिनाए थे लगभग 40-42 नंबर थे, उसके बिल्कुल एक्यूरेट थे, फिर भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ अब ये कट ऑफ का जो कैंडिडेट अंदाजा लगा रहे हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ इन सेंटर, और पता है नेवी ने इसमें आर्मी ने क्या किया भाई, अपनी उससे ऑफिशियल वेबसाइट से लिस्ट हटा दी। अब वो आई थिंक पूरा सेंटर पूरा स्टेट को कवर करेंगे, एआरओ वाइज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे और भी सेंटर का आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ और भी सेंटर शेयर किया है, कोई है संभलपुर का है यहाँ पे, उसके बाद बैरकपुर का है, उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर और कोई है, उसके बाद दिल्ली का भी यहाँ पे देख सकते हो, क्लर्क का है, उसके शॉर्ट टेस्टिंग कैंडिडेट कटक उड़ीसा पे होता है जो, उसके बाद यहाँ पे गोपालपुर का है, उसके बाद यहाँ पे सिलीगुड़ी का है, उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं, अपना नाम सर्च कर सकते हैं। एयरफोर्स का बेसिकली एग्जाम था तो वहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें, और अभी रिसेंटली जालंधर का आपका आया हुआ है। तो जितने भी अब जो एआरओ बसते हैं भाई मेरे, देखो इंडियन आर्मी का क्या सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि चार दिन अलग अलग, पहले क्या सिस्टम होता है आर्मी का, एआरओ वाइज आता था तो भाई अपना सब एआरओ मतलब अपना अपना अपलोड करते थे, लेकिन अभी इस बार ये सिस्टम कुछ ऐसा रहा नहीं, ठीक है। आई थिंक सारा का सारा एक ही जगह से अपलोड होगा क्योंकि डेटा एक ही जगह गया है ना पेपर का, ठीक है। पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था तो कुछ ऐसा सिस्टम होता था, तो अभी जो जीडी के कैंडिडेट है उनका मेरे अकॉर्डिंग जो 30 से 35 नंबर भी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, 30 से 35 स्कोर किया है, उनको डेफिनेटली उन सभी का निकलेगा, मतलब 30 नंबर जिन्होंने किया है स्कोर 50 में से, उन सभी का फेस फर्स्ट आराम से निकलेगा। और मुझे गट्स फीलिंग आ रही कि मेरे जो चैनल पे है, मैं ये वो बड़ाई वाले मैंने क्लास ही नहीं लेता, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि जो बेसिकली एयरफोर्स और नेवी के एस्पिरेंट थे ना, इस वजह से बता रहा हूँ। आर्मी जीडी का पेपर जितने भी दिया होगा सबका क्लियर होगा, क्योंकि भाई पेपर इजी आता है, उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता, बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है। तो उस वजह से अब रहा से सेंटर का, देखो ये नहीं है कि भाई से सेंटर का कल आएगा क्या, देखो पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं संडे कोई आर्मी का आप नहीं होता, जो मेरिट आई थी लखनऊ यारो की संडे की ही आई थी, मतलब मुझे अच्छे से याद है उस दिन भाई मैं रोया भी था, मतलब वो अच्छी सी मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत करी थी, उस वजह से चार साल से कोई रनिंग कर रहा है आप मान लो, अरे यार पढ़ाई में उतना मेहनत नहीं लगता भाई मेरे, कितना भी मतलब रूम पे बैठे पढ़ते रहो लेकिन जब सुबह 4 बजे दौड़ने जाओ और फिर
वो समझते होंगे, जिन जो ग्राउंड पे जाते हैं मेहनत करते हैं उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है दौड़ने में। उस वजह से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग अगर इतना 30 से 35 अगर आपका स्कोर आ रहा है डेफिनेटली निकल जाएगा। आपको रनिंग की तैयारी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। ये तो हो गया कट ऑफ का अंदाजा। दूसरा नंबर, जो शेष जितने जोन बच्चे हैं, जितने भी जोन बचे हुए हैं वो फिर जितने भी हैं, जैसे कि लखनऊ आर ओ हो गया, बरेली आर ओ हो गया, आगरा का हो गया, ठीक है, और अदर अदर स्टेट का भी हम मान सकते हैं, झुंझुनू हो गया, जयपुर हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट अभी तो बहुत हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो कब तक आएगा ये अगर आपका डाउट बन रहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए सिंपल सा बता देता हूँ भाई, मेरे आज भी आ सकता है। मैं जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट में पीसी एक साइट पे पीसी लेके बैठा हूँ, और जैसे ही आता है मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करूँगा जिस भी का आया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई शाम के 5 बज गए नहीं अपलोड होगा, रात के 8 बजे मेरिट आई थे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो रिजल्ट आपके नंबर बाई नंबर मैक्सिमम आपके कल तक पूरे के पूरे सारे जोन के अपलोड हो जाएंगे, और आई होप कि रात में भी अपलोड हो सकते हैं, ठीक है, 10-11 बजे तक अगर जो भी होना होगा तो 11 बजे तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो अभी देखते हैं, जैसे जो अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एक कट ऑफ का मैंने आपको अंदाजा दे दिया, और एक अंदाजा मैंने ये भी दे दिया कि इतने तक जो भी कैंडिडेट होंगे 30 से 35 नंबर तक आर्मी जी डी में, वो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन जिन स्टेट का आ गया वो कैंडिडेट यहाँ पे आके अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। नाम चेक करने के लिए पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। बार बार मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा नहीं, जैसे भोपाल सेंटर का यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के सर्च कर लेना, ऑलरेडी मेंशन है, जनरल ड्यूटी का देख सकते हो। नीचे चलोगे देखो यहाँ पे अब 282 पेजेस का, जब रिजल्ट आया था ना भाई, फाइनल मेरिट आई थी ना, 5-6 पेजेस में केवल नाम थे, और एक लिस्ट में इतने भी नाम नहीं थे जितने यहाँ पे मेंशन कर रखे, पूरे इतने ही नाम थे। सबसे ज़्यादा आई थिंक दानापुर के ही लड़कों को लिया गया था, 500 से 600 लड़के थे। लखनऊ वाले सेंटर से 400 लड़के लिए गए थे, कितने, 2000 जीडी का पेपर दिया था। मैं भी जीडी का भाई का पेपर दिलाने लखनऊ गया था, ठीक है, उसके साथ में गया था मतलब, ठीक है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हो 282 पेजेस है, तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा क्योंकि फिजिकल अच्छा खासा होता है, आर्मी में फिजिकल के बेसिस पे चीज़ें ली आती हैं, तो जिन्होंने इतना स्कोर किया होगा। बाकी मैं आपको बार बार वीडियो बना के इन्फॉर्म नहीं कर पाऊंगा कि भैया लखनऊ का आ गया, अब आगरा का आ गया, अब बरेली का आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करता रहूँगा, आप स्टे कनेक्टेड रहिएगा। कोई डाउट है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। बाकी ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।